स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी पुलिस और प्रशासन सतर्क होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोलन में पुलिस ने निजी स्कूल परिसर में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने में लगी वाहनों के चालकों को सुरक्षा टिप्स दिए। डीएसपी सोलन रमेश शर्मा ने स्कूली वाहन चालकों और मालिकों को बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नियमों का पालन करने को कहा। उन्होंने निजी स्कूली बच्चों को लाने व जाने के कार्य में लगी वाहन चालकों से आह्वान किया कि वह हर बच्चे की लिस्ट स्कूल प्रबंधन को दें, साथ ही वाहन चालक की पुलिस वेरिफिकेशन करवानी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चालकों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। डीएसपी रमेश शर्मा ने कहा कि हरियाणा के गुड़गांव में सामने आए घटनाक्रम के चलते बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन नियमों का पालन न करने वाले चालकों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ये जो बातचीत है इस संदर्भ में की गई कि हाल ही में जो दिल्ली में एक विद्यालय में एक बच्चे के साथ घटना घटित हुई है, उसके संदर्भ में उसी के मद्देनजर रखते हुए यहां पर सुरक्षा बच्चों की सुनिश्चित करने के लिए, यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इन लोगों को यहां पर एकत्रित किया गया और स्कूल प्रशासन के साथ ये बातचीत की गई। स्कूल वैन्स के जो ड्राइवर और मालिक हैं उनको हमने ये निर्देश दिए कि वो अपने वैन का और अपने ड्राइवर का नाम नंबर फोटोग्राफ स्कूल में दें, ताकि स्कूल में उनका एक आईडी इशू किया जा सके, स्कूल में उनका रिकॉर्ड रहे, उनके साथ कितने बच्चे उनकी वैन में आते हैं उनका पूरा विवरण उसमें होगा। साथ ही साथ हमने इनको ये भी निर्देश दिया कि जो उनके पास चालक उन्होंने रखे हुए हैं उसका वो चरित्र सत्यापन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन पुलिस के माध्यम से करवाएं।